हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि आरपीएलए सीएलआई की इंडेक्सिंग प्रपोजल इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने लॉगिन कर लेना है, उसके बाद के हम सामने ऐसी यूटिलिटी आएगी डे विगिन, यहाँ से अपने डे विगिन वगैरह कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डे विगिन करते थे, ऑलरेडी बता रहा है कि डे विगिन जो है वो हो चुका है। तो यहाँ से चलेंगे हम अब अपनी इंश्योरेंस साइड में आपने चलना है। यहाँ पे आपको इस तरह के आइकॉन दिखाई देंगे। सबसे फर्स्ट है प्रीमियम कलेक्शन, सेकंड में न्यू बिजनेस कोटा और थर्ड में प्रपोजल इंडेक्सिंग। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि पॉलिसी सर में पॉलिसी की डिटेल आ जाती है, सबसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग और रिपोर्ट्स जो आप डेली वर्क करोगे आरपीएल पीएलआई का, यहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि क्या क्या आपने डिपोजिट किया हुआ है आरपीएल पीएलआई का। यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो स्टेटस के लिए, स्टेटस रिक्वेस्ट यहाँ से देख लो। ट्रांजेक्शन कोई अगर आपकी सर्वर इशू की वजह से पेंडिंग हो जाती है तो आप स्टेटस जो है इस ट्रांजेक्शन का यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से आप आपको मैं बताऊँगा आज कि पीएलआई आरपीएलआई की इंडेक्सिंग कैसे करनी है न्यू फ्रेश प्रपोजल के लिए। तो फ्रेश प्रपोजल के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ से, ठीक है। अगर आप पीएलआई की कर रहे हो, यहाँ पे आपने ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप पीएलआई कर रहे हो किसी बंदे की तो यहाँ पे आपने इस साइड रहने देना इसको, और अगर आरपीएलआई करनी है तो इसको ये इस साइड करना पड़ेगा आरपीएलआई के लिए। तो नीचे शो कर रहा है कि ग्राम संतोष, ठीक है। यहाँ से आप आरपीएलआई की जो भी प्लान है, जो 6 टाइप के जो भी प्लान है, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अगर पीएलआई करनी है तो इस साइड रहने देंगे, और यहाँ पे आपको प्लान शो कर रहा है संतोष करनी है आपने, की सुरक्षा करने की सुविधा लेनी है, कि युगल सुरक्षा करनी है, कि सुमंगल करनी है, चिल्ड्रन पॉलिसी करनी, जो 6 टाइप की पॉलिसीज पीएलआई में होती है वो यहाँ से आपको शो हो जाएंगी। अगर आपने आरपीएलआई करनी है तो यहाँ से आपको पहले आरपीएलआई साइड सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ से ग्राम संतोष, ये आरपीएलआई की 6 टाइप की पॉलिसी, ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष, ग्राम प्रिया, ग्राम सुमंगल, सब की सब शो हो जाएंगी। जिस टाइप की आपने पॉलिसी लेनी है वो उस टाइप की यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे शो है अभी ग्राम संतोष, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रपोजल डेट बताएगा कि जैसे अभी चली हुई है 12/10, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन डेट भी वही और ऑफिस डिटेल भी बता देता है यहाँ पे, तो आईडी सब कुछ यहाँ पे शो होगा। और नेक्स्ट में आपने करना है नेक्स्ट, यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद आगे आपसे ये मांगेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको नाम डालकर बताता हूँ, फर्स्ट नेम इसका, जैसे आपने जिस बंदे की इंश्योरेंस करनी है तो मैंने डाल दिया, लास्ट नेम में आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इंश्योरेंस डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे जो भी बंदे की डेट ऑफ बर्थ होगी। तो मैंने अभी यहाँ से कर ली सिलेक्ट, ये यहाँ से सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, और इंश्योरेंस डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से नीचे वाला ऑप्शन है कि मेल है बंदा कि फीमेल, अगर मेल की कर रहे हो तो इस साइड, ठीक है। अगर फीमेल की हो रही है तो इस साइड आप इसको कर लोगे पहले। और सम शोर्ड यहाँ पे डालना है कि पॉलिसी जो है उस बंदे की कितने की कर रहे हो, सम शोर्ड किया है ना, 1 लाख है, 10 लाख है, कितना है। आरपीएलआई कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको बताएगी 9 लाख तक, और पीएलआई कर रहे हो तो 50 लाख तक चलेगी। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे डाल देना है, ये सम शोर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीमियम जो है वो आप मंथली रखोगे, क्वार्टरली, कि हाफ ईयरली या एनुअली। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जिस टाइप की पॉलिसीज कर रही हो, जिस टाइप का बंदे का प्रीमियम आप रखना चाहते हो। तो यहाँ से अगर मंथली है तो मंथली सेलेक्ट करना है, क्वार्टरली रखा हुआ है तो क्वार्टरली सेलेक्ट करना है, और हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली, और एनुअली तो एनुअली सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है लास्ट में कि मेच्योरिटी उस बंदे की, जिस बंदे की आप पीएलआई आरपीएलआई कर रहे हो फ्रेश प्रपोजल जो भी है, तो वो मेच्योरिटी किस एज तक लेगा, 35-40 यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, 55-58 या 60 तक। यहाँ से आप सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने, प्रीमियम जो है वो कलेक्शन बता देगा कि इतनी ये प्रीमियम बनेगा, 580 यहाँ पे प्रीमियम है, और साथ में जीएसटी लगा हुआ तो 606 बनेगी। उसके बाद आपने इसको करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सीधे सबमिट वाले बटन के ऊपर ये अपने डिटेल आपने चेक कर लेनी है ऊपर अपनी एक बार सारी, कि समशोर क्या डाला, मंथली प्रीमियम रखा हुआ, मेच्योरिटी कब लेनी है, प्रीमियम जो भी है वो इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपने सबमिट करना है। सीधे के सीधे सबमिट करने के बाद आपके पास प्रपोजल नंबर आएगा कुछ N-EAP
कुछ इस तरह का, उसको आपने फ्रेश प्रपोजल जो इंडेक्सिंग नंबर होता है उसी को बोलते हैं, वो जनरेट हो जाएगा, तो आपने वो नोट कर लेना है। और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट, तो जैसे ये अभी मेरे पास है 606, इस अमाउंट के साथ आपने मेक पेमेंट कर देनी है और पॉलिसीज आपकी इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सारी की सारी प्रोसेस करनी है, और प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना बैग, यहाँ से आप बैग आ गए, और अब आप यहाँ से कलेक्शन वाली, जैसे आप रिपोर्ट देखते हो अपनी कि जो डिपॉजिट किया हुआ है आपने, तो उसकी ट्रांजेक्शन देखते हो जैसे रिपोर्ट में, तो यहाँ से आपने चेक कर लेनी है अपनी जनरेट रिपोर्ट करके यहाँ पे। अभी तो मैंने किए नहीं कुछ, तो यहाँ पे शो नहीं करा, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा जो आपने उस टाइम अगर की हुई है डिपॉजिट, आरपीएल पीएलए को कलेक्शन की हुई है, तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, और साथ में जो न्यू फ्रेश प्रपोजल इंडेक्सिंग की हुई है आपने वो भी यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरह आपने न्यू आरपीएल पीएलए की इंडेक्सिंग करनी है, और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपने क्या किया, और कैसे यहाँ से आपको सारा का सारा शो हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आप वॉलेट अमाउंट फिर साथ में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कैश डिटेल में आपकी वो इंश्योरेंस की आ जाएगी, अपने यहाँ से चेक कर लेना। तो इस तरह आपने न्यू आरपीएल पीएलए कोर्सेज जो है वो इंडेक्सिंग करनी है, और बाकी का हम अब अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।